शिमला शहर की कच्ची घाटी में बीते दिनों जमीन दोज हुए भवन के बाद अब नगर निगम शिमला हरकत में आया है। कच्ची घाटी घटना के बाद मामले की जांच के लिए निगम की ओर से बनाई गई 6 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंप दी है। सोमवार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने कच्ची घाटी क्षेत्र के 4 भवनों को तोड़ने की सिफारिश की है, जबकि रिपोर्ट में एक भवन का अनसेफ भी घोषित किया गया है। इन 4 भवनों में 2 भवन जमीन दोज हुई इमारत के साथ लगते हैं, जबकि 2 अन्य भवन जमीन दोज हुई इमारत से नीचे की ओर पड़ते हैं। वहीं कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए अब निगम ने भी इन भवनों को तोड़ने का फैसला लिया है। निगम ने इन 4 भवनों में से 2 भवनों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन्हें अगले 3 दिनों के अंदर तोड़ा जाएगा। वहीं अन्य 2 भवनों को जल्द तोड़ने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ये जैसे कच्ची घाटी में 2 बिल्डिंग्स कोलैप्स की थी, उसके उपरांत सरकार ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी ने एक 3 मेंबर्ड कमेटी बनाई थी, जिसमें डीसी साहब थे और डीसी साहब हैं, डायरेक्टर टीसीपी व एमसी कमिश्नर हैं, और उन्होंने भी साइट इंस्पेक्शन की। उसके उपरांत एक हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है एमसी के अंदर, जिसमें कि टेक्निकल लोग हैं और उसमें एक्सियन हैं, हमारे एक्सियन एसजेपीएनएल के भी हैं, और इसमें एपी हैं हमारे, और साथ ही हमने रिक्वेस्ट की थी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी, वहाँ से उनके एक जियोलॉजिस्ट भी इस कमेटी में थे। इस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने कल डिटेल में इस एरिए का सर्वे किया और वो शाम तक उनकी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो 4 बिल्डिंग्स थी अनसेफ डिक्लेयर की हैं, जिसके अंदर की 2 बिल्डिंग्स जो हैं, ये जो पहले बिल्डिंग कोलैप्स की थी वो उसके ऊपर हैं, और 2 बिल्डिंग्स जो हैं नीचे हैं। और ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार अभी फ़िलहाल हमने 4 बिल्डिंग्स की डिमोलिशन के ऑर्डर दिए। सर, देखा जाए जिस तरह से वहाँ पर नीचे की ज़मीन क्या धस रही है, और क्या जो बिल्डिंग है उनको कितने दिन में जो है तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, और ये कब तक कार्रवाई की जाएगी? जो ये कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसमें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, 4 बिल्डिंग्स उन्होंने अनसेफ और डिमोलिशन के लिए रिकमेंड किया था, उसमें 2 बिल्डिंग्स ऊपर हैं और 2 बिल्डिंग्स नीचे हैं। तो 2 जो बिल्डिंग्स ऊपर हैं, और उनका ये मानना था कमेटी का कि क्योंकि जो इनकी बेस है वो एक्सपोज हो गए हैं, और वो उससे सराउंडिंग में आसपास में लाइफ और प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है, तो उसके इमीडिएट डिमोलिशन की रिकमेंडेशन की थी। और जो 2 नीचे की बिल्डिंग्स हैं वो, उसके लिए इन्होंने ये कमेटी ने रिकमेंडेशन ये है कि उसको डिमोलिश तो किया जाए, बट इमीडिएटली नहीं, क्योंकि अगर इमीडिएटली डिमोलिश करेंगे तो जो मलबा ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो भी मूवमेंट में आ जाएगा, जिससे कि पूरे एरिए को खतरा हो सकता है। तो ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं उनको इमीडिएट डिमोलिशन के ऑर्डर कमेटी ने रिकमेंड किए हैं। सर, इसमें जो नोटिस है अभी हमने दिया है, जो ओनर्स हैं इस बिल्डिंग के, ओनर्स या ऑक्यूपायर जो हैं उनको दिया है कि इसको डिमोलिशन वो खुद स्वयं करें। अगर वो नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये कंट्रोल्ड डिमोलिशन होनी है और टेक्निकल कार्य है बहुत, तो इसलिए ये PWD अथॉरिटीज़ को इसमें अधिकृत किया गया है कि